Good morning, students. Today we will discuss about the new topic that is refraction through the glass prism. हम लोगों ने already refraction के बारे में पढ़ के रखा हुआ है कि refraction क्या चीज होती है. Well, the light bends from its original path. जब light जो है bend हो जाती है अपने original path से, when it passes through a some kind of the medium, यानी जब वो medium से pass करती है तो वो bend हो जाती है. आज हम study करेंगे कि refraction through the प्रिज्म होता है हमारे पास, ठीक है. उसके थ्रू जो ये रिफ्रैक्टिंग होगी वो किस तरीके से होगी उसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में देख लेते हैं. इसको ज़्यादा इसमें करना है हमने, ठीक है. तो ये हमारे पास इंसिडेंट रे मान लेते हैं कि जैसे मैंने इंसिडेंट रे यहाँ पे पास की, ठीक है, ए बी. जैसे इंसिडेंट रे यहाँ पे ग्लास के फेस पर होगी, सरफेस पर यहाँ पे स्ट्राइक करेगी, इसको मान लेते हैं ओ पी क्यू, ठीक है. इस ग्लास सरफेस पर स्ट्राइक करेंगे तो जैसा कि हम लोगों को पता है यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, नॉर्मल एन वन. अब इस नॉर्मल जैसे कि हमारे रे ऑफ लाइट जो है रेयर टू डेंसर जाती है, क्योंकि ग्लास जो वो डेंसर मीडियम का है और लाइट जो आ रही है वो रेयर मीडियम से आ रही है. तो जैसे ही हमारी लाइट जो है रेयर से डेंसर की तरफ जाती है तो इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल. क्या होती है? टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है, ठीक है. तो जैसे ही बेंड हुई तो यहाँ से इसने दूसरे सरफेस पर जाकर के स्ट्राइक किया. कौन से सरफेस पर? दूसरे सरफेस पर जाकर के स्ट्राइक किया. ये एन टू सरफेस मानते हैं. अब जिस दूसरे सरफेस पर जाकर स्ट्राइक कर रही है क्योंकि अब रे ऑफ लाइट ऊपर डेंसर से पास हो रही है, ठीक है. पहले क्या था? रेयर से जा रही है डेंसर की तरफ, तो ये बेंड हो गई टूवर्ड्स द नॉर्मल. अब देखो ये डेंसर से रेयर में जाएगी, तो हम अगर इसके बारे में पढ़ा हुआ, जब भी रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर की तरफ जाती है तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है. इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो इस तरीके से आपकी कुछ कंफर्मेशन बनती है, ठीक है. इसका आपका प्रैक्टिकल भी होगा, एक प्रैक्टिकल भी हम इसको करेंगे. तो ये आ जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है. ये बनता है आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और इसको भी हम एंगल ऑफ इंसिडेंट ही मानेंगे क्योंकि डेंसर से बना हुआ है. तो जैसे ही बाहर निकलती है तो इसको हम कंसीडर करते हैं एंगल ऑफ एमर्जेंट, ठीक है. अब देखो यहाँ पे एक्चुअल पाथ कौन सा था रे ऑफ लाइट का? एक्चुअल पाथ तो ए से बी की तरफ था, तो इसको कैसे जाना चाहिए था? तो इसका एक्चुअल पाथ जो था रे ऑफ लाइट का वो कुछ इस तरह से था, इस तरह से जाना चाहिए था इस रे ऑफ लाइट को. बट ये क्या हुई, अपने एक्चुअल पाथ से डेविएट हो गई. कितनी पर्टिकुलर एंगल से डेविएट हुई, ठीक है. तो यहाँ पर इसको हम यहाँ पे एक्सटेंड कर देते हैं. तो ये जो एंगल बन रहा है इन दोनों लाइंस की गर्मी की वजह से, तो ये होता है एंगल ऑफ डेविएशन. क्या माना जाता है इसको? एंगल ऑफ डेविएशन, यानी कि कितने एंगल से आपकी रे ऑफ लाइट जो वो डेविएट हो गई है, ठीक है. जितने एंगल से रे ऑफ लाइट डेविएट हुई उसी एंगल को हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन बोला जाता है, ठीक है. तो ये हमारे पास रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास प्रिज्म, ठीक है. तो आप लोगों ने इसके बारे में लिखना है. अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन याद रखनी है आप लोगों ने, क्या कि एंगल ऑफ एमर्जेंट या एंगल ऑफ प्रिज्म, ये होता है एंगल ऑफ प्रिज्म. इसको बोला जाता है एंगल ऑफ प्रिज्म. क्यों? दो फेस के बीच का जो एंगल होगा, प्रिज्म के दो फेस के बीच का जो एंगल होता है उसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है. तो एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस एंगल ऑफ डेविएशन, ये जो हमारे पास एंगल ऑफ डेविएशन आ रहा है, ठीक है, ये दोनों इक्वल होते हैं किससे? एंगल ऑफ इंसिडेंट प्लस एंगल ऑफ एमर्जेंस के इक्वलेंट होते हैं. किसके इक्वलेंट होते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ एमर्जेंट. यानी कि जिस एंगल से आपकी इंसिडेंट रे पास करेगी उसी एंगल से वो बाहर भी निकलेगी, ठीक है. तो ये आप लोगों ने इस केस में याद रखना है. दिस वन इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास प्रिज्म. क्लियर है बाकी? ओके, नेक्स्ट हम करेंगे डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट, ठीक है. मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, डिस्पर्शन क्या चीज होती है, पहले इस चीज को देखो, ठीक है. डिस्पर्शन की चीज होती है, इट इज द फिनोमेना ऑफ द स्प्रेडिंग ऑफ द व्हाइट लाइट. हमारे पास सन रेस में जो लाइट आती है इट इज द व्हाइट लाइट. कैसी होती है लाइट? व्हाइट होती है, ठीक है. तो स्प्लिटिंग ऑफ द व्हाइट लाइट, यानी कि उस व्हाइट लाइट को स्प्लिट कर देना, तोड़ देना, उसको ब्रेक करना, ऑफ द व्हाइट लाइट इन टू द कंसिक्वेंट कलर, उसको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में करना,
उसको स्प्लिट कर देना, उसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्शन ऑफ लाइट बोला जाता है। फिर अब आके अब देखो यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है, ये हमारे पास ग्लास प्रिज्म है क्योंकि हम तभी देख पाते हैं जब हम ग्लास प्रिज्म के थ्रू पास करते हैं। डिस्पर्शन ऑफ लाइट का एक बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ आपको, जब बारिश वगैरह होती है हल्की से और सनलाइट आ जाती है तो आप उन्होंने देखा जब रेनबो फॉर्म होता है, ठीक है, तो उस रेनबो में आपने कलर देखे होंगे, ठीक है, तो वो कलर आते कहाँ से, कलर एक्चुअली नए फॉर्म नहीं होते, वो क्या होता है वहां पे जो व्हाइट लाइट होती है सन की उसी को भी स्प्लिट होते हैं, वहां से वो स्प्लिट हो रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि व्हाइट लाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द सेवन कलर, व्हाइट लाइट जो होती है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवन कलर्स, ठीक है, कितने कलर्स का कॉम्बिनेशन होता है, सेवन कलर का कॉम्बिनेशन होता है, जब ये सारे कलर एक साथ इकट्ठे होते हैं तो ये व्हाइट लाइट बनाते हैं, लेकिन जब आप उसको सेपरेट करते हैं किसी फिनोमेना के थ्रू तो वो सेवन कलर में स्प्लिट होती है व्हाइट लाइट, ठीक है, तो वो देखते हैं हम सेवन कलर कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होती है, कि जब हम व्हाइट लाइट को स्प्लिट कर देते हैं उसके डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट कलर्स में, ठीक है, तो उसी को हम फिनोमेना को बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। अब मान लो यहाँ से मैं एक व्हाइट लाइट जो है वो इसके ऊपर पास करवा रहा हूँ, ठीक है, एक व्हाइट लाइट इसके ऊपर से पास करवा रहा हूँ, ठीक, ए बी जैसे इसने यहाँ पे स्ट्राइक किया तो यहाँ पे क्योंकि बेंडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि बेल्ट टूवर्स का लोअर होता है यहाँ पे, तो यहाँ से हमने देखा कि हर एक लाइट के डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट अप हो जाती है ये लाइट, ठीक है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड दिस वन सेवन, यानी कि जब आप व्हाइट लाइट को यहाँ से पास करोगे आप दूसरी तरफ देखोगे आपको सेवन कलर नजर आएंगे, ठीक है, और ये सेवन कलर किस ऑर्डर में होते हैं, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द विद्योर बी आई वी जी ओ विफ योर जी यो जी ओ आ, इन सेवन कलर्स में ये व्हाइट लाइट जो वो स्प्लिट अप होती है, तो इस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, विद्योर बी आई बी जी वाई ओ आर, विद्योर वेयर बी रिप्रेजेंट द वायलेट कलर, इसको रिप्रेजेंट करता है वायलेट कलर, आई रिप्रेजेंट द इंडिगो, इंडिगो कलर, बी रिप्रेजेंट द ब्लू कलर, ठीक है, जी रिप्रेजेंट द ग्रीन कलर, ठीक है, Y represent the yellow color, O represent the orange, red R represent the red color. तो ये सात तरह के कलर्स में ये व्हाइट लाइट जो आपकी स्प्लिट हो जाती है, ठीक है, यही फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्शन ऑफ द व्हाइट लाइट बोलते हैं, ठीक है, तो सिंपल सा फिनोमेना है व्हाइट लाइट का, तो याद रखना क्या होता है, फिनोमेना ऑफ द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट, हमने व्हाइट लाइट को स्प्लिट कर दिया, तोड़ दिया उस व्हाइट लाइट को, ठीक है, किसमें तोड़ा, इनटू इट्स ऑन कंस्टिट्यूएंट कलर, यानी कि जिस जो एक्चुअली कलर होते हैं उसमें हमने इसको फिल किया, ठीक है, तो दिस वन इज द कलर प्योर, और यही पैटर्न बनाते हैं आपने, वायलेट कलर जो होता है वो सबसे बॉटम में होता है, रेड कलर जो होता है वो सबसे टॉप में होता है, इसका कौन बताते हैं हम आगे चल के, ठीक है, तो ये आ जाता है फिनोमेना हमारे पास डिस्पर्शन ऑफ द लाइट, कि जब हमने व्हाइट लाइट को स्प्लिट कर दिया टू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर्स में डिफरेंट कर दिए, ठीक है, तो ये सभी की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसीज जो होती है वो डिफरेंट होंगी, ठीक है, वेवलेंथ एज वेल एज द फ्रीक्वेंसी, इनके बारे में हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इन सभी की डिफरेंट होगी, ठीक है, बॉयलर कलर की अलग होगी, रेड की अलग होगी, इस तरीके से वो पैटर्न जो वो शो हो रहा है, तो यहां पे ये इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्शन ऑफ द व्हाइट लाइट बोला जाता है, क्लियर हुई बात ये, अच्छा वन मोर थिंग, यहां पे जो आपको वायलेट कलर है इसको याद रखना है, क्या वायलेट कलर जो है डेविएट मोस्ट, सबसे ज्यादा डेविएशन जो होती है वो वायलेट कलर में होती है, और रेड कलर जो होता है डेविएट much least, सबसे कम जो डेविएशन होगी वो रेड कलर में होगी, ठीक है, देखो वैसा हम डेविएशन को क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल पाथ इसका यहाँ पर है, ये जान चाहिए था, तो एक्चुअल पाथ से रेड कलर जो बड़े कम एंगल पर डेविएट हुआ है, जबकि एक्चुअल पाथ से वायलेट कलर जो वो ज्यादा डेविएट हुआ है,
ठीक है, तो दैट्स व्हाई वायलेट कलर डेविएट मोर, सबसे ज्यादा जो डेविएट कलर होता है कौन सा कलर होता है, वायलेट होता है, इसलिए वायलेट जो बॉटम में बनाया गया सबसे नीचे बनता है ठीक है, और रेड कलर कम डेविएट होता है, कम उसके डेविएशन होती है, तो इसलिए रेड कलर जो वो उसके ऊपर सबसे ऊपर आता है ठीक है। तो ये सारे सभी का पैटर्न है जी, सबसे लास्ट सबसे ज्यादा जो डेविएट होगा वो वायलेट होगा, उससे कम इंडिगो, उससे कम ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड देन रेड कलर, इस तरह से इनकी डेविएशन हम शो करते हैं। और ये पैटर्न होता है इसका कहते हैं विब ग्योर बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, विब ग्योर, बी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर, तो ये सेवन कलर का कंस्टिट्यूएंट्स होता है। मेरा बात की अच्छा बात जाती है भाई, किसकी विजिबल स्पेक्ट्रम, विजिबल का मतलब क्या होता है, जिसको हम देख सकते हैं ठीक है, दैट स्पेक्ट्रम इसका होगा विजिबल स्पेक्ट्रम बोला जाता है ठीक है। और साथ साथ में जो स्पेक्ट्रम बनते हैं उसको बाद में बताते हैं, विजुअल स्पेक्ट्रम देखो क्या होता है, व्हाइट लाइट जैसे ही हम यहाँ से पास करते हैं तो ये क्या होता है, अलग अलग कलर्स में क्या होता है, स्प्लिट हो जाती है ये लाइट ठीक है, तो इन अलग अलग कलर्स में स्प्लिट होती है, तो इन कलर को एक्चुअल में हम देख रहे हैं ठीक है, हम इसको देख पाते हैं, तो ये जो स्पेक्ट्रम बनता है ये स्पेक्ट्रम कैसा होता है, विजिबल स्पेक्ट्रम बोला जाता है इसको ठीक है, क्या बोला जाता है इसको, विजिबल स्पेक्ट्रम ठीक है, स्पेक्ट्रम विच वी कैन सी विद अवर नेक्ड आईज ठीक है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, सी कर सकते हैं बाय अवर नेक्ड आईज ठीक है, नेक्ड आई, जिस स्पेक्ट्रम को हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, उसको विजुलाइज कर पा रहे हैं, दैट स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड द विजिबल स्पेक्ट्रम। तो ये जो व्हाइट लाइट की स्प्रेडिंग हो रही है, उसके बाद जो कलर हमारे पास बन रहे हैं, तो ये जो कलर हम देख पा रहे हैं, तो इन्हीं कलर्स को हम क्या बोलेंगे, ये विजिबल स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो ऐसा क्यों बोलते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम, क्योंकि कुछ स्पेक्ट्रम हमारे पास ऐसे भी हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं ठीक है, उनको हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक स्पेशलाइज टेक्निक का यूज करते हैं हम उसके लिए ठीक, जैसे माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं बड़े छोटे छोटे माइक्रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए, क्योंकि हम उनको सिंपल अपनी आईज से देख नहीं पाते हैं, लेकिन होते जरूर है, यहाँ पे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे लेकिन उनको देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन जब हम माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे तो उसको हम बड़े अच्छे तरीके से देख पाते हैं। इन द सिमिलर वे में क्या होता है कि कुछ एक स्पेक्ट्रम जो है उनको हम अपनी आई से देख पाते हैं, बट कुछ एक स्पेक्ट्रम ऐसे भी हैं जिनको हम अपनी आई से देख नहीं पाते हैं ठीक है, तो दैट्स व्हाई दिस स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड द विजिबल स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का हमने क्या नाम दिया हुआ है, विजिबल स्पेक्ट्रम का नाम दिया हुआ है ठीक है, जिसको हम अपनी नेक्ड आईज के थ्रू देख पाते हैं, दैट्स कम स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड द विजिबल स्पेक्ट्रम। क्लियर है बाकी सभी को? अच्छा, अब यहां पे एक बात आती है कि जो डिस्पर्शन हो रही है ऊपर सबसे ऊपर फाउंड होता है, क्या बता है कि ये आपने अपने अलग अलग जगह पे स्प्लिट हो रहे हैं ठीक है, तो ये इसका सिंपल सा एक कांसेप्ट है दैट डिस्पर्शन डिपेंड अपॉन द डिस्पर्शन डिपेंड्स अपॉन द वेव लेंथ ऑफ द लाइट, वेव लेंथ ऑफ कलर ठीक है, यानी कि जो डिस्पर्शन हो रही है ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, तो कलर की अपनी वेव लेंथ होगी, क्यों, क्योंकि हर एक कलर की अपनी अलग अलग वेव लेंथ होती है, ये नहीं है कि एक ही वेव लेंथ के साथ चलेगी, नहीं ऐसा नहीं होता है, हर एक कलर की अपनी अपनी वेव लेंथ होती है, जैसे अगर हम रेड कलर की बात करते हैं तो रेड कलर की वेव लेंथ क्या होती है, 7900 ऑंगस्ट्रॉम होती है, जबकि अगर हम वॉयलेट कलर की बात करते हैं तो वॉयलेट कलर की वेव लेंथ जो होती है सबसे कम होती है कितनी, 4000 ऑंगस्ट्रॉम की होती है ठीक है, तो इस तरीके से ये वेव लेंथ कलर पर डिपेंड करता है। अब देखो जैसे ही व्हाइट लाइट इसके अंदर पहुंचती, किसके अंदर पहुंचती है, प्रिज्म के अंदर, प्रिज्म के अंदर क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेव लेंथ, इसका मतलब तो हुआ जिसकी वेव लेंथ ज्यादा होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसको ज्यादा फेस करना पड़ेगा ठीक है, वॉयलेट कलर की वेव लेंथ ज्यादा है, वॉयलेट कलर की वेव लेंथ ज्यादा है तो उसको ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फेस करना पड़ रहा है, और एक कंसेप्ट हमने और भी पढ़ा हुआ है कि जैसे ही वेव ऑफ लाइट जो है
रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो उसमें क्या होता है, उसकी स्पीड कम हो जाती है वहां पे। तो स्पीड के लिए हमने कंसेप्ट पढ़ा था n = n किसको रिप्रेजेंट करेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, c / v। समझे बात की? अब देखो यहां पे जैसे ही वेवलेंथ यहां पे एंटर की, वाइट लाइट एंटर की, तो उसने क्या किया, स्प्लिट करना स्टार्ट कर दिया। स्प्लिट कर दिया तो मान लेते हैं कि वॉयलेट कलर को हम कंसीडर कर लेंगे, तो वॉयलेट कलर की वेवलेंथ करती सबसे कम होती है, वॉयलेट कलर की वेवलेंथ जो सबसे कम है, वेवलेंथ कम है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, बड़ा ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा तो उसकी वेलोसिटी कर देगा, वो कम कर देगा। ठीक है, वेलोसिटी कम हो रही है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, वो डेविएशन ज्यादा होने स्टार्ट हो जाती है। जैसे इसका एक सिंपल एग्जांपल बताता हूं मैं, मान लो मैंने यहां से बड़ी ज्यादा तेज हवा चलाई है, बहुत ज्यादा तेज हवा चली है, ठीक है, और दो पर्सन जो है वो उसको क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, बोथ आर मूविंग विद अ डिफरेंट स्पीड, यहां से बड़ी फास्ट एयर विंड आ रही है, ठीक है, एयर आ रही है यहां से, तो यहां पे मैं इसको 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ाता हूं और इसको मैं दौड़ाता हूं 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ाता हूं, ठीक है, और रीजन जो वो बहुत बड़ा है, कहां बड़ा रीजन, जैसे ये दोनों इसमें एंटर करेंगे तो जिसकी स्पीड ज्यादा है उसका पाथ देखो कुछ कैसा होगा, इस तरीके से जैसे इसमें एंटर करेगा इसका पाथ कुछ ऐसा होगा, क्यों, इसकी स्पीड ज्यादा है, जबकि अब इसकी स्पीड जो वो कम है तो इसका पाथ कैसा होगा, ये पहले ही डेविएट हो जाएगा, क्योंकि इसकी स्पीड क्या है, कम है, दोनों के मासेस सेम है लेकिन स्पीड अलग अलग है दोनों की, तो यहाँ पे ये जो बड़े ज्यादा पाथ दौड़ रहा है वो काफी दूर तक इस तरह से पाथ कवर करता हो जाएगा, तब जाकर वो डेविएट होगा, लेकिन जिसकी स्पीड कम है तो बड़ी जल्दी से ही इसके एयर के इंटरेस्ट में आ जाएगा और ये अपने पास को डायरेक्ट करेगा, हवा ये करेगी इसको मोड़ देगी, लेकिन जिसकी स्पीड ज्यादा है उसको मोड़ने के लिए काफी टाइम लगेगा। तो यहाँ पे भी हम उसी ही कंसेप्ट का यूज करते हैं, देखो क्या हुआ, वेवलेंथ इसकी कम है, वेवलेंथ वॉयलेट कलर की कम है, वेवलेंथ कम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है यहाँ पे इसका मतलब इसकी स्पीड क्या है, कम है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होने की वजह से इसकी स्पीड कम हो जाए, तो स्पीड कम है तो ये बड़ी जल्दी डेविएट हो जा रहा है, स्पीड कम है डेविएट बड़ी जल्दी हो जा रहा है, जबकि रेड कलर की अगर बात करते हैं तो रेड कलर में देखो क्या हुआ, इसकी वेवलेंथ जो वो ज्यादा है, वेवलेंथ ज्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज्यादा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो यहाँ पे देखो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, एक मिनट की बात करेंगे, यहाँ पे वेवलेंथ जो है बॉयलेट कलर की जो वेवलेंथ है वो कम है, वेवलेंथ कम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो वेलोसिटी क्या है, जा रहा है, ठीक है, एक मिनट। अच्छा बच्चों यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, ये दोनों फिगर्स लिख दिया हमने, यहाँ पे आएगा 1 कोण लैम्डा, तभी यह गड़बड़ आ गई, ठीक है, अब देखो इसको 1 कोण लैम्डा होता है जहां पे वेवलेंथ कम है, वेवलेंथ वॉयलेट कलर की कम है, वॉयलेट कलर की वेवलेंथ कम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो वॉयलेट कलर की स्पीड जो है वो कम हो जाएगी, स्पीड ऑफ द वॉयलेट कलर इज लेस देन दैट ऑफ द, इसकी कंपैरिजन में रेड कलर की कंपैरिजन में, क्यों, रेड कलर की वेवलेंथ जो है वो ज्यादा है, वेवलेंथ ज्यादा है, इन्वर्सलेशन है तो क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है किसके लिए, रेड कलर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये भी क्या है, इन्वर्स रिलेशन, तो यहाँ पे वॉयलेट कलर की स्पीड जो है वो ज्यादा है। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे कंसेप्ट आपको समझाया कि जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो क्या करेगा, ज्यादा टाइम लेगा अपने पाथ को डेविएट करने के लिए, जिसकी स्पीड कम होगी वो बड़ी जल्दी डेविएट हो जाएगा, तो देखो स्पीड किसकी कम है, वॉयलेट कलर की स्पीड कम है, जब वॉयलेट कलर की स्पीड कम है तो वो बड़े ज्यादा जल्दी ही डेविएट हो जा रहा है, जबकि रेड कलर की लाइट की स्पीड जो है वो ज्यादा है तो वो क्या करेगा, ज्यादा टाइम लेगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, इसकी स्पीड क्या है, ज्यादा है, स्पीड ज्यादा है तो उसका मतलब क्या हुआ, स्पीड ज्यादा है तो ये बड़ा कम डेविएट होगा क्योंकि इस चीज में ज्यादा इन्फ्लुएंस ही नहीं रहेगा, इसलिए ये जो हमारे पास पैटर्न बन रहा है इन दो कलर्स का विजुअलाइज करते हैं हम लोग, ये जो हमारे पास दो कलर आ रहे हैं कौन कौन से, ये वॉयलेट और ये रेड, ठीक है, तो वॉयलेट कलर जो है अपने पास से कम डेविएट हुआ, जबकि रेड कलर जो कम डेविएट हुआ वॉयलेट कलर जो ज्यादा डेविएट हुआ, तो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस की वजह से, ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले आप लोगों ने याद किए हैं, ठीक है, दैट इज एन अपॉन लैम्डा एंड एन
is equal to c upon b. The c will be routinely इसको ऐसे भी सकते हैं ताकि proportion को बराबर भी है. refractive index जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है refractive index क्या होगा कम होगा. refractive index कम है तो उसकी स्पीड क्या होगी ज्यादा होगी. that's why red color is at the top most. जबकि वॉलेंट कलर की वेवलेंथ क्या होती है कम होती है तो refractive index उसके लिए क्या होगा ज्यादा हो जाएगा. refractive index ज्यादा है उसकी स्पीड क्या हो जाएगी उसकी स्पीड क्या हो जाएगी कम हो जाएगी. तो स्पीड कम होने से ही सबसे नीचे जाकर के होता है. दिस इज द मेन कॉज ऑफ द डिस्पर्शन ऑफ द लाइट. ठीक है. और इसी तरह से अलग अलग कलर्स जो है अलग अलग पैटर्न वेवलेंथ के होते हैं और अपनी वेवलेंथ के हिसाब से वो इस तरह से पैटर्न बनाते हैं. तो इस पैटर्न को हम बोलते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम. और क्या नाम होता है इसका बिट ग्यो. इसको याद रखना है. सेवन कलर्स जो आपके बड़े बड़े काम आएंगे आगे. ठीक है. बिट ग्यो बोला जाता है इसको. क्या बोला जाएगा शॉर्ट फॉर्म में बिट ग्यो. वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज एंड रेड कलर्स. फिर अब आप सभी को